हेलो दोस्तों, वाबी ने अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज मेट 40 अनवील कर दी है। फिलहाल अभी प्राइस ना तो पता चले हैं और ना ही ये पता चला है कि ये फोन कब से मिलना शुरू होगा, लेकिन स्पेक्स और लॉन्चिंग सब कुछ हो गई है। दोस्तों आइए वीडियो में जानते हैं कि इस फोन के अंदर आपको क्या मिलने वाला है और बाकी फोन्स के मुकाबले में ये फोन कितना बेहतर होगा। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं वाबी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज मेट 40 के बारे में। ढेर सारे र्यूमर इस फोन को लेके दोस्तों मार्केट में चले थे लॉन्चिंग से पहले। आपको पता होगा ढेर सारे कैमरा डिजाइन ऑक्टागोनल पता नहीं कौन कौन से तरह की सामने आई थी, लेकिन फाइनली फोन लॉन्च होने के बाद दोस्तों इसमें स्पेस सर्कुलर मॉड्यूल आपको मिलेगा कैमरे में। अब आते हैं सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले पर। दोस्तों इसमें वाबी ने होरिजोन 88 डिग्री ओएलईडी टाइप डिस्प्ले यूज की है, जिसमें कि आपको 90 हर्ट्ज का मिलेगा रिफ्रेश रेट, जिसको कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं, 90 पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। इसके अलावा 240 यानी कि 240 हर्ट्ज का मिलेगा टच सैम्पलिंग रेट, यानी कि फोन काफी बेहतर है टच वाइज। आप जो भी काम करना चाहेंगे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको डिस्प्ले पे टच वाइज मिलेगी। इसके अलावा आपकी डिस्प्ले और फोन की बॉडी दोनों ही डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि फोन आ रहा है IP68 रेटिंग के साथ में, यानी कि बहुत कुछ आपको इस फ्लैगशिप फोन में मिलने वाला है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको डिस्प्ले पर ही मिलेगा, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है तो ये तो बनता ही है। और साथ में 3D फेस अनलॉक फैसिलिटी भी मिलेगी, और साथ में डिस्प्ले पे आपको मिलेगा मोशन गेस्चर, वो भी बहुत स्मूथ। आप बहुत सारे काम, आप जब म्यूजिक सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फोन कॉल वगैरह, पेज चेंज करना हो, बहुत सारे आपको मोशन गेस्चर इसमें मिल जाएंगे, यानी कि फोन परफॉर्मेंस वाइज भी एक नए लेवल पे आपको लेके जा रहा है। इसके बाद अब आते हैं प्रोसेसर पे। तो वाबी ने इस फोन के अंदर अपना फ्लैगशिप चिपसेट किया है यूज किरिन 9000 5G। दोस्तों इस चिपसेट को बनाने के लिए 5nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज किया गया है, यानी कि ये चिपसेट भी अभी फिलहाल जितने भी मार्केट में चिपसेट अवेलेबल हैं उसमें एक बेहतर मुकाम रखता है, जो कि आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी स्पीड 3.13 GHz तक की देगा। इसके बाद अगर GPU की बात करें तो आपको 24 कोर GPU मिलेगा माली G78, यानी कि परफॉर्मेंस आपके फोन की ग्राफिक्स वगैरह को लेकर दोस्तों जबरदस्त रहेगी। साथ में इतना ही नहीं, आपको NPU यानी कि न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलेगा, जिसमें कि आपको दो बड़े कोर मिलेंगे और एक छोटा सा कोर मिलेगा, जो कि आपके कैमरे के AI वगैरह को और बहुत सारी चीजें जो न्यूरल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है दोस्तों फोन के अंदर, वो सारी परफॉर्म करेगा। यानी कि आपका GPU और CPU से हटाकर बहुत सी चीजों को NPU में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि फोन की जो हैंग होने की जो मुसीबत होती थी वो भी दोस्तों इस फोन में बहुत हद तक आपको कम दिखाई देगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस की बात करें तो फिलहाल तो डब्बे में आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा फोन में, जो कि बाद में अपडेट के साथ में नए वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। EMUI 11 पर करेगा फोन काम, यानी कि आपको आइकन्स और यूजर इंटरफेस वो भी सब कुछ दोस्तों बेटर मिल जाएगा। साथ में आपको अगर रैम की बात करें तो इसमें 8GB की रैम और 128GB, 256GB, 512GB के वेरिएंट्स में अलग अलग फोन लॉन्च हो सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में अभी बहुत ज्यादा क्लियर कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। आते हैं उस फीचर पे जिसका 100% लोगों को रहता है इंतजार। मैं बात कर रहा हूं कैमरे की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल्फी कैमरे से। ड्यूल पंच होल सेल्फी कैमरा मिल रहा है, दो सेंसर आपको मिलेंगे डिस्प्ले पे, सेपरेट पंच होल नहीं है, एक ही पंच होल है जहां पर आपको दोनों सेंसर मिल जाएंगे। 13 MP का मिलेगा प्राइमरी सेंसर, जबकि दूसरा होगा 3D डेप्थ कैमरा सेंसर, जो कि आपकी वीडियो और इमेजिंग में काफी मदद करेगा। अगर हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको इस बार सेल्फी कैमरे में मिल रही है 1080 पिक्सल की रिजोल्यूशन के साथ में। दोस्तों उसके अलावा AI फीचर्स आपको इस कैमरे में भी मिल जाएंगे। अब आते हैं पीछे की तरफ। तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है सर्कुलर स्पेस मॉड्यूल में दोस्तों, जिसमें कि पहला सेंसर है 50 MP का, जिसका फोकल लेंथ अपर्चर है 1.9। दूसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, जो कि 20 MP का है, जिसका फोकल लेंथ 1.8 अपर्चर है। तीसरा है टेलीफोटो सेंसर 12 MP का, जो कि आपको 10x 10 टाइम हाइब्रिड जूम और 50 टाइम डिजिटल जूम आपको
दे सकेगा। OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको इसमें मिलेगा। और चौथा है आपका लेजर सेंसर और LED फ्लैशलाइट भी आपको इस क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में मिले। अब लगभग सारे फीचर्स की तो हमने बात कर ली है और लास्ट में इस फोन को चलाने के लिए चाहिए पावर, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। 4400 mAh की मिल रही है बैटरी इस फोन में, लेकिन चार्जिंग में जरूर वाबी ने बड़ा ही कमाल कर दिया है। 66 वाट की मिलेगी आपको वायर्ड चार्जिंग, जो कि सुपर फास्ट चार्जिंग है। फोन दोस्तों आपका आधे घंटे से एक लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। इसके अलावा इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग भी सुपर फास्ट मिल रही है, 50 वाट की मिल रही है आपको वायरलेस चार्जिंग, जिसके लिए आपको वाबी का वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, जिसको आप परचेज कर सकेंगे साथ में। बाकी दोस्तों इस फोन के अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जरूर टाइप सी मिल जाएगा इसमें पोर्ट, जिसमें कि आप अपने टाइप सी कोई भी आपके पास हेडफोन या ईयरफोन है उसको आप कनेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा वाईफाई 6 प्लस करेगा इसमें सपोर्ट, ब्लूटूथ सपोर्ट, NFC, ये सारे फीचर दोस्तों और सारे जरूरी जितने भी इस समय सेंसर हैं फोन्स के अंदर जो फ्लैगशिप में मिलते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। प्राइस दोस्तों इन सारी खूबियों के बाद भी अभी कंपनी ने अनवील नहीं किए हैं, सिर्फ लोगों को सामने फोन रख दिया है ताकि लोग कंपेयर कर सके दूसरे फोन्स के मुकाबले में। प्राइस जल्दी ही आ जाएंगे मार्केट में और कौन कौन से रीजन में कब का फोन किस किस प्राइस रेंज में आएगा ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स ऑफर सब कुछ आपको लाते रहेंगे अपने चैनल पे। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रीबेट चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।